तो हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं केक। और केक की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग उसमें बिस्किट डालेंगे, आप कौन सा भी बिस्किट चाहे जो आपका मन चाहता हो। तो हम लोग उसमें दूध डालेंगे एक कप। वैसे तो दूध और बिस्किट डाल के बन जाता है केक, पर आपको बेकिंग सोडा या इनो डालना हो तो आप डाल सकते हैं, और आपकी मर्जी से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसको पूरा फाइन पाउडर करेंगे। तो चलिए फाइन पाउडर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फाइन पाउडर हो चुका है। मैं एक पैकेट को फाइन पाउडर कर चुकी हूँ। देखिए, ऐसा पाउडर होना चाहिए। तो अभी मैं सब पाउडर को ऐसे करके बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है तीसरा पैकेट, और अभी देखिए कितना मस्त फाइन पाउडर हो गया है। और मैं आपको बताती हूँ इसमें बेक करने का। हम लोग के पास तो कुकर नहीं है, इसके लिए हम लोग इसमें बेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर नमक भी डाला है और हम लोग कुकर में गर्म करेंगे। इसके लिए ना हम लोग को कुकर की सीटी और रबर नहीं लगाना पड़ता है, ये ऐसे ढक के रखना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँ कैसे बनेगा। इसके अंदर ये वाला स्टैंड रख देगा, ये वाला देखो, मम्मी दिखाएगी, रख देखिए ऐसे वाला स्टैंड। और ध्यान से रखो, नहीं तो बहुत गर्म होता है कुकर। इसके लिए देखिए, स्लो फ्लेम पे रखना, और आप बिल्कुल भी मत करना मम्मी को बताना करने के लिए, क्योंकि मैं भी मम्मी को ही बताई हूँ करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, फाइन पाउडर हो चुका है, और मैं आपको बताती हूँ कोको पाउडर का क्या यूज है। तो हम लोग इसके अंदर वापिस से ये पाउडर डालेंगे। रुको, मैं आपको डाल के बताती हूँ। हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया है ये पाउडर। उसके बाद हम लोग को ये कोको पाउडर इसके अंदर डालना है। तो मैं आपको डाल के दिखा, सिर्फ डेढ़ चम्मच डालना है, डेढ़ बड़े चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको मिक्सर में मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, मिक्स हो गया है ये कोको पाउडर। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे दूध। तो इसके लिए कंटेनर लाना पड़ेगा, तो हम लोग जाते और लाते हैं। तो दोस्तों मैंने कंटेनर लाई हूँ, अभी हम लोग इसको इसके अंदर डालेंगे और दूध डालेंगे। तो चलिए कर। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे डालेंगे ये एक कप दूध। मैं दूध डाल दी हूँ, अभी इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये अभी दूसरा कप है, मतलब आधा कप, एक और आधा कप। तो चलिए देखते हैं कितना कप लगता है इसको पूरा। तो दोस्तों देखिए, ये अभी बनेगा, और थोड़ा मिलाना पड़ेगा इसको। और ये सिर्फ मैंने ही बनाया, मम्मी ने नहीं, कैसे मम्मी ने गैस चालू किया है। तो दोस्तों देखिए, ये बन चुका है, और पूरे दो कप दूध लग गए। देखिए ऐसे आएगा ना, ये मतलब हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे काजू, और इसको क्या कहते हैं, जेम्स, हाँ। उसके बाद लास्ट में आपको मैं बताऊंगी करके कोको पाउडर के क्रीम कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इनो डालेंगे पूरा पैकेट, और ठीक है। चलिए इसको पहले मिक्सी में ब्लेंड करते हैं। देखिए ऐसे, इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना ही करना, और इसको पूरा डाल देना है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो हम लोग जेम्स को भी मिक्स करेंगे, मतलब मिक्स यानी उसको करते हैं, थोड़ा पतला कर देंगे। देखिए दोस्तों, इतना करना है इसको, ऐसे इतना सा, मतलब ये टेस्ट आएगा इसका। इसके अंदर डाल देंगे अभी हम लोग, तो इसको अभी मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको अच्छे से मिलाना होगा, इसको अच्छे से मिलाना होगा, और लास्ट में इनो डालना होगा। इनो डालने के बाद जल्दी से हम लोग को उसके कंटेनर के अंदर डाल के बेक करने के लिए रखना होगा, नहीं तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग इसको कंटेनर के अंदर डालते, और कंटेनर के डालने के पहले हम लोग को उसमें पहले ये डालना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, तेल, नहीं तो घी, नहीं तो बटर। आप इन तीनों में से एक डाल सकते हो, नहीं तो नीचे बटर पेपर लगा सकते हो। बटर पेपर नहीं है तो तेल लगा सकते हो, मेरे पास बटर पेपर नहीं है, इसके लिए मैं तेल लगा रही हूँ। तो दोस्तों अच्छे से मैंने ऑयल लगा लिया है, और ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं डाले ऑयल। देखिए उसके बाद मैं इसके अंदर अभी इनो डालने वाली हूँ, चलिए इनो डालते हैं। और हाँ दोस्तों, इनो डालने के बाद हम लोग को उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए आप पानी डाल सकते हो या दूध डाल सकते हो। देखिए थोड़ा सा दूध, नहीं तो पानी डालेगा। देखिए अभी जल्दी से इसको मिला के हम लोग डाल दें। तो दोस्तों देखिए, मैंने कंटेनर में डाल दिया है, इसको अच्छे से हम लोग ऐसे कर लेंगे, और इसको ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब ये सेट हो जाएगा।
थी सावधानी से। देखिए आलम ने रख दिया है, अभी हम लोग बनाएंगे इसकी क्रीम को ढक के रखेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोग डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर, दो जितने चम्मच हम लोग कोको पाउडर डालेंगे उतना ही चम्मच हम लोग को शक्कर डालना है। इसको मिक्स करेंगे। देखिए ये ऐसे बनेगा, जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए ये बन चुका है, अभी हम दूसरा बनाएंगे। शक्कर का पानी, देखिए आधा कप हम लोग ने आधा कप हम लोग ने पानी डाला है, उतना ही हम लोग आधा कप शक्कर डालेंगे। और अभी हम लोग और थोड़ा डालेंगे, उसके बाद जब तक ये अच्छे से है ना मेल्ट नहीं हो जाता था तब तक हम लोग इसको ना मिलाते रहेंगे। तब दोस्तों ये अच्छे से है ना मेल्ट नहीं हो जाता ना तब तक हम लोग इसको ठीक से हिलाते रहेंगे। दोस्तों स्लो फ्लेम में रखेंगे हम लोग। देखिए इसमें केक है, तो दोस्तों देखिए ये बन चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और जब तक केक ठंडा नहीं होता ना तब तक हम उसको डेकोरेट नहीं करेंगे। देखिए ये पूरी तरह से बन चुका है, तो चलिए इंतजार करते हैं केक बन चुका। तो दोस्तों सिर्फ केक को ना हाफ एन आवर रखने का स्लो फ्लेम में, और मतलब वो अच्छे से फूलता है, उसमें इनो डालना है जल्दी से बेक कर देने का, मतलब अच्छे से फूलता है। अभी देखो फूलने के लिए रखा है केक, तो उसके अंदर अगर चाकू नहीं तो टूथपिक रहेगी उससे चेक करने का, अगर चाकू नहीं तो टूथपिक गिली आई तो समझो करके केक और पका नहीं है, अगर सूखी है तो पका है। तो चलिए केक बनने का इंतजार करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अभी केक बन चुका है, इसको बंद कर दिए है हम लोग ने गैस, अभी हम लोग इसको बाद में लोग इसको बाद में निकालेंगे ठंडे, जब भी ये ठंडा होगा तभी हम लोग अरे सॉरी ये लगाएंगे इसको, इसके ऊपर डालेंगे। तो देखिए दोस्तों ये केक निकल चुका है, अभी हम लोग इसके ऊपर आइसिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना स्पॉन्जी हुआ है ये, अभी इसके ऊपर हम पहले डालेंगे ये हम लोग ने पानी बनाया था ना शक्कर का, ये डालेंगे पहले, इसे टेस्ट आता है अच्छे से, और इसको अच्छे से फैला देंगे कॉर्नर साइड में अच्छे से डाल देंगे। तो देखिए मैंने कॉर्नर साइड से भी अच्छे से लगा दिया है, और अभी हम लोग डालेंगे ये अपने बनाया हुआ चॉकलेट सिरप। देखिए वाह, जैसे देखिए कितना मस्त बना है, स्मेल भी बहुत मस्त आ रही है। अगर आपको नीचे ऐसे पूरा गिराना होगा तो आप गिरा दे सकते हैं। तो अभी हम लोग स्प्रेड करेंगे, देखिए ऐसे साइड साइड से भी गिरा लेंगे हम लोग, वो अच्छा दिखेगा। जिधर जिधर से ज्यादा है कॉर्नर साइड से उधर उधर अपन ज्यादा ऐसे स्प्रेडिंग करेंगे। अभी हम लोग इसको स्टैक होने के लिए रखेंगे, पहले हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे।
देखते हो तो ये पूरी आइसिंग हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग कट करेंगे। अगर आपको डेकोरेट करना है तो आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। अभी देखिए कितना मस्त बना है। देखिए अभी मैं एक बाइट खाती हूँ पहले। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय।